नरेंद्र मोदी जी, आपकी नुपुर शर्मा जो बेबी डॉल है, जिसको बेबी डॉल बना के आप घुमाते रहते हैं और चंद बातें कहते रहते हैं, इस बेबी डॉल से कह दीजिए कि संभल जाइए। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी न होने के कारण कई स्टेट में दंगा हो गया, उस दर्जी की जान चली गई। ये मानव बम से भी बड़ा खतरा है नुपुर शर्मा हमारे देश के लिए। मानव बम है? बिल्कुल, मानव बम से भी बड़ा खतरा। नुपुर शर्मा गुड़िया है, गुड़िया। आप लोग लड़ पाइएगा भाजपा, भाजपा के साथ सब इस्तेमाल कर, पूरा मीडिया चैनल है आप लोगों के साथ। नरेंद्र मोदी जी भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सुविधा अनुसार नुपुर शर्मा जी को, इस बात को समझिए। और वो इस्तेमाल हो रही है, देश में दंगे हो गए, दंगे में लड़ने वाले लोगों की गिरफ्तारी हो गई, बीच बचाव करने वाले लोगों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन दंगा करवाने वाली, इस बयान देने वाली नुपुर शर्मा क्यों बची रह गई? भाजपा ने पार्टी से निकाल दिया, भाजपा उसको जेल भेज देती, इतना बड़ा घटना नहीं होता अगर नुपुर शर्मा जेल के अंदर रहती तो। वो आज़ाद घूम रही है, हम एक आंदोलन करने पे हमें जेल हो जाता है। कोर्ट से बड़ा नरेंद्र मोदी का सरकार, नरेंद्र मोदी का फैसला, नरेंद्र मोदी का प्रशासन, नरेंद्र मोदी का प्रवक्ता, नरेंद्र मोदी का प्रखंड अध्यक्ष भी कोर्ट से बड़ा है। कोर्ट से बड़ा है? बिल्कुल कोर्ट से बड़ा है। ये जो गोदी मीडिया है, जो ना कभी स्वास्थ्य पे चर्चा की, ना कभी शिक्षा पे चर्चा की, ना कभी जिसने न्याय अन्याय पे चर्चा की, जिसने सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, गाय गोबर, इस तरह के चैनल वालों को उम्र कैद की सजा दीजिए, फांसी दीजिए, उम्र कैद, बिल्कुल इनके चैनलों को बंद किया जाए, इन पे मुकदमा चलाया जाए। कोर्ट क्या कह रही है, कोर्ट भी कहीं ना कहीं हमें कमजोर नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया, जिसके बाद से देश में काफी विवाद हुआ, यहाँ तक कि विदेश कंट्री भी इस मामले में हस्तक्षेप किए और जो बिहार के दूतावास है वहाँ से उनको बुला करके माफ़ी मंगवाया गया। अब इस मामले में कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है और बोला है कि नुपुर शर्मा जिस तरीके से सार्वजनिक मंच पर आकर के टीवी डिबेट में आकर के किसी भी धर्म की भावना को आहत की है, उसी तरीके से जाकर के टीवी डिबेट में बैठ करके अब पूरे देश से माफ़ी मांगे। इन तमाम चीज़ों पर मुझसे बात करने के लिए पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष हैं मनीष यादव। आप क्या मानते हैं कि कोर्ट ने अब इस पर हस्तक्षेप कर दिया लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि इस देश में कोर्ट से बड़ा नरेंद्र मोदी का सरकार, नरेंद्र मोदी का फैसला, नरेंद्र मोदी का प्रशासन, नरेंद्र मोदी का प्रवक्ता, नरेंद्र मोदी का प्रखंड अध्यक्ष भी कोर्ट से बड़ा है। कोर्ट से बड़ा है? बिल्कुल कोर्ट से बड़ा है। अगर कोर्ट से बड़ा नहीं होता तो आज गिरफ्तारी हो चुकी होती नुपुर शर्मा की। क्यों नहीं हो रही गिरफ्तारी? नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी न होने के कारण कई स्टेट में दंगा हो गया, उस दर्जी की जान चली गई। ना नुपुर शर्मा इस तरह की बयान देती, ना इस तरह के बयान का समर्थन होता, विरोध होता, ना अलगाववाद होता और ना इस तरह की जाने जाती। पूरी तरह से भाजपा अपने आप को देश का सर्वोसर्वा संस्थान मान चुकी, उसे किस कोई भी मतलब नहीं कि कौन कोर्ट है, कौन क्या है। और ये जो गोदी मीडिया है, जो ना कभी स्वास्थ्य पे चर्चा की, ना कभी शिक्षा पे चर्चा की, ना कभी जिसने न्याय अन्याय पे चर्चा की, जिसने सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, गाय गोबर, सिर्फ और सिर्फ इनके डिबेट का मुद्दा ये रहा, और इसे पालना और श्रेय देने का काम पूरी तरह से भाजपा की सरकार ने किया। हम कोर्ट से बहुत ही विनम्र निवेदन करना चाहेंगे माननीय न्यायाधीश महोदय से कि आप सबसे पहले इस तरह के जो टीवी चैनल हैं, जो नरेंद्र मोदी के, हमारे टैक्स के पैसे से नरेंद्र मोदी के इशारे पे चैनल चल रहे हैं, इस तरह के चैनल वालों को उम्र कैद की सजा दीजिए, फांसी दीजिए, उम्र कैद, बिल्कुल। इस तरह के चैनल जो इस तरह के अलगाववादी लोगों को बैठाकर इस तरह की बात कहने पे विवश करते हैं, इस तरह का डिबेट करवाते हैं जिससे हमारे देश में, हमारे प्रदेश में हिंसा का माहौल बनता है, ये पूरी जिम्मेदारी इन लोग चैनलों वाले की है। बिल्कुल बिल्कुल, टीवी चैनल वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इनके चैनलों को बंद किया जाए, इन पे मुकदमा चलाया जाए, वरना इस देश को दंगे की आग में झुकने से कोई नहीं रोक। अल्ट न्यूज के को फाउंडर को गिरफ्तार तो कर, देखिए 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 उसकी क्या गलती थी, एक बात हम बता दें, उस को फाउंडर ने क्या किया, उसने ये किया कि नुपुर शर्मा के बयान को साझा किया। अब हमें एक बात समझ में नहीं आता है कि नुपुर शर्मा के बयान के साझा करने पे जेल हो सकता है, तो नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया उस बयान पे नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं? देश में दंगे हो गए, दंगे में लड़ने वाले लोगों की गिरफ्तारी हो गई, बीच बचाव करने वाले लोगों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन दंगा करवाने वाली, इस बयान देने वाली नुपुर शर्मा क्यों बची रह गई? नुपुर शर्मा पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पे बोलती है, वो जानबूझ के बोलती है ताकि हम मुसलमानों पे बोलेंगे तो हिंदू हमारे पक्ष में रहेंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी
का मामला दबा रहेगा। तो पार्टी से निकाल दिया उनको 6 साल के लिए। अरे भाई, भाजपा ने पार्टी से निकाल दिया, भाजपा उसको जेल भेज देती। इतना बड़ा घटना नहीं होता अगर नूपुर शर्मा जेल के अंदर रहती तो। वो आज़ाद घूम रही है, हम एक आंदोलन करने पे हमें जेल हो जाता है। सड़क पे खड़ा है, अभी हम लोगों ने कार्यक्रम किया है अग्निवीर मामले में, हम लोग पे एफआईआर हो जाएगा। देखिए कल जेल में है, बिहार में अग्निवीर में जो खड़ा रह रहा है उसको जेल भेज दिया जा रहा है, फर्जी मुकदमा हो रहा है। और वैसी महिला जो वीरांगना साबित हो गई इस देश में, दंगा करवाने वाली, हत्या करवाने वाली नूपुर शर्मा वीरांगना हो गई भाजपा के नज़र में। नूपुर शर्मा के समर्थन में देश में कई सभा हुआ, कई रैलियां हुई हैं। बताइए, ये तो क्या आप कहें हम, ये तो पूरी तरह से कहिए धुर्तों की सरकार है। जिसको जेल में होना चाहिए था उसके माला पहनाया जा रहा है, उसको पूजा जा रहा है और निर्दोषों की हत्या हो रही है। कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि माफ़ी मांगे सार्वजनिक तौर पर, काफ़ी है इतना। देखिए एक बात आप समझिए कि कोर्ट क्या कह रही है, कोर्ट भी कहीं ना कहीं हमें कमज़ोर नज़र आती है। नूपुर शर्मा के बयान पर उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं कोर्ट कर रही है, कोर्ट में उसकी गिरफ्तारी को अभी तक क्यों रोकी गई है, कोर्ट ने क्यों रोकी, और सरकार पे ये कोर्ट दबाव क्यों नहीं बना रही कि इस तरह के टीवी डिबेटों पे सरकार रोक लगाए। कोर्ट क्यों नहीं रोक लगा रही इस तरह के टीवी डिबेटों पे। ये पूरी तरह से देश को हिंसा में झोंकने का एक प्रकरण है, इस बात को याद रखिएगा। देश का कुछ मीडिया पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है और देश को हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान में बांट कर जो आंतरिक मुद्दे हैं देश के, सुरक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, उस मुद्दे से भटकाना चाह रही है। लेकिन देश का छात्र नौजवान युवा इस मुद्दे को नहीं छोड़ेगा। देश में अग्निवीर का मामला चल रहा है और अग्निवीर के खिलाफ पूरा देश का छात्र नौजवान युवा एकजुट है। नरेंद्र मोदी जी, आपकी नूपुर शर्मा जो बेबी डॉल है, जिसको बेबी डॉल बना के आप घुमाते रहते हैं और चंद बातें कहते रहते हैं, इस बेबी डॉल से कह दीजिए कि संभल जाइए, वरना बिहार का छात्र नौजवान युवा बहुत तरीके से जवाब देगा। हम हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा पूर्वक जवाब देंगे, लेकिन जवाब जरूर देंगे आपके इस तरह के बेबी डॉल और गुड्डे गुड़िये जो प्रवक्ता आप लोग बना के बैठाए हुए हैं, और जो कभी हमारे धर्म पे, कभी देश पाकिस्तान को, कभी कुछ जो करते रहता है, इस तरह के चीज़ों से बाहर निकलिए, अन्यथा हम लोग को सड़कों पर आना। लग रहा है आप लोग नूपुर शर्मा पे उंगली उठा रहे हैं, भाजपा पे उंगली उठा रहे हैं, लड़ पाइएगा आप पूरा संस्था उन लोगों के साथ। अरे हम कह तो रहे हैं कि नूपुर शर्मा गुड़िया है, गुड़िया आप लोग लड़ पाइएगा भाजपा के साथ। सब इस्तेमाल कर पूरा मीडिया चैनल है आप लोगों के साथ। नरेंद्र मोदी जी भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सुविधा अनुसार नूपुर शर्मा जी को, इस बात को समझिए। और वो इस्तेमाल हो रही है, बिल्कुल इस बात को याद रखिए। तो नरेंद्र मोदी जी, अपने गुड्डा गुड़िया को संभाल के रखिए अपने यहाँ। अगर देश का छात्र नौजवान युवा आपके इस अलगाववाद नीति के खिलाफ सड़क पर उतरा, नूपुर शर्मा और आपके सभी प्रवक्ताओं को बहुत भारी पड़ेगा। क्या मांग है इस तरह? बिल्कुल ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए, तिहाड़ जेल में होना चाहिए नूपुर शर्मा ऐसे लोगों को। ये हमारे देश के लिए बहुत आतंकवादी से भी बड़ा खतरा है, ये मानव बम से भी बड़ा खतरा है नूपुर शर्मा हमारे देश के लिए। मानव बम है, बिल्कुल मानव बम से भी बड़ा खतरा। मानव बम तो अपने आसपास के लोगों को लेकर उड़ता है, ये देश में कई जगहों को लेकर उड़ जाएगी जिस तरह की ये लोग बात करती है। तो ये लोग पे कहीं ना कहीं देश में धार्मिक उन्माद फैलाने जैसा केस मुकदमा चलाकर इन्हें तिहाड़ जेल में रखने की ज़रूरत है। ये अगर बाहर रहते हैं तो हमारा देश सेफ नहीं रहेगा। तो ये थे मनीष यादव, छात्र नेता हैं, पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं छात्र संघ के। इन्होंने नूपुर शर्मा पे साफ कहा है कि सरकार के संरक्षण में ऐसे लोग पनपते हैं और देश में आग लगाते हैं, इनकी गिरफ्तारी जल्द होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं नूपुर शर्मा के बारे में, जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं घंटे बजा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।